गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे उस दिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या यूँ कहो कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर। उसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात चल रही थी, जिसमें ये बात आई थी कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, कोई बीम ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक्स ऑन ए मेटल सरफेस, किसी मेटल सरफेस पर, जैसे पोटासियम, रुबीजियम, सीजियम, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसके मेटल सरफेस पर जब बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स करता है तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड आर मूविंग अवे फ्रॉम द मेटल सरफेस विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करता है। उसमें जो ऑब्जर्वेशन था, 3 ऑब्जर्वेशन नोट किया था हम लोगों ने, कहते एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पर जैसे ही स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, कोई टाइम लैग नहीं होता, देर नहीं लगती। पहली बात। दूसरी बात, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स और इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना ज़्यादा है, ब्राइटनेस, कितनी लाइट में चमक ज़्यादा है, ब्राइटनेस, उसको इंटेंसिटी कहते हैं, उसके प्रोपोर्शनल है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा ब्राइटनेस वाली लाइट है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलता है। तीसरी बात ये कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट जरूरी होता है। कई बार ऐसा है कि मेटल सरफेस पर कोई लाइट तुम डाले जा रहे हो घंटों और कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है, मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि तुम जो लाइट उस पर डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो हर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का एक फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, एनर्जी यानी वर्क फंक्शन, और जानते हैं एनर्जी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को एच से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू म्यू फ्रीक्वेंसी, ये तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी हो जाएगा एच से मल्टीप्लाई करके, उसको डब्ल्यू जीरो भी कहते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो मिनिमम एनर्जी जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन डब्ल्यू जीरो भी बोलते हैं, उतना जरूरी है, इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस। आप कहते हैं ये जो तीनों रिजल्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिले कैन नॉट बी एक्सप्लेन, दीज ऑल द एबव रिजल्ट्स या ऑल दीज रिजल्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, मैंने फिजिक्स के जो पुराने जितने नियम हैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन नहीं हो सकते, क्योंकि पुराने फिजिक्स के हिसाब से उसमें एनर्जी और द बीम ऑफ लाइट, शाइनिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट के हिसाब से, मतलब द एनर्जी ऑफ द बीम ऑफ लाइट या डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, मतलब बी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द, सॉरी, एनर्जी ऑफ द बीम ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ, कहता उसका एनर्जी उसके ब्राइटनेस पर डिपेंड करेगा, और उसके हिसाब से कहता है कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट मेटल के सरफेस पर पड़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ग्रेटर इज द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी मोर एंड काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन शुड बी मोर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो पाया गया कि ज़्यादा ब्राइटनेस का, मोर ब्राइटनेस या मोर इंटेंसिटी का लाइट जब मेटल सरफेस पर पड़ता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर इजेक्ट हो सकते हैं, बट उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इट इज नॉट नेसेसरी। कहता है फॉर एग्जांपल कि रेड लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 4.3 से 4.6 इंटू 10^14 हर्ज होता है, किसी मेटल पोटासियम के मेटल के सरफेस पर घंटों तुम इस पर फॉल होने दो, लेट इट फॉल, पड़ने दो, साइन होने दो, साइन मैंने चमकने दो उसके सरफेस पर रेड रंग का लाइट, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इजेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस। लेकिन लो इंटेंसिटी का, लो ब्राइटनेस का, बहुत कम चमकीला येलो लाइट जिसका की फ्रीक्वेंसी 5.1 से 5.2 × 10^14 आ जाए, अगर पड़ गया उसके सरफेस पर तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुमको दिखाई पड़ जाएगा। क्यों भाई? तो कहता है पोटासियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू जीरो वैल्यू 5 × 10^14 है, यानी येलो लाइट का उससे ज़्यादा है, कितना चमकदार है, कितना इंटेंसिटी उसे मतलब नहीं है, उसकी एनर्जी कितनी उस पर डिपेंड करेगा, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है एनर्जी, ऐसे मल्टीप्लाई करके। तो इन सब ऑब्जर्वेशन के आधार पर आइंस्टीन ने 1905 में एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बाय यूजिंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसने कहा कि किसी मेटल के सरफेस पर जो बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है, इसको आप ये इस रूप में व्यू कीजिए या समझिए कि उस पर जो है पार्टिकल्स पड़ रहा है, रेडिएशन का पार्टिकल पड़ रहा है, शूटिंग द बीम ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे मान के चलो, मतलब बीम ऑफ लाइट नहीं पड़ रहा उस पर, ऐसे समझो कि बीम ऑफ पार्टिकल्स उस पर पड़ रहा है, जिसका नाम उन्होंने फोटोन रखा।
पार्टिकल, इसका मतलब है कि रेडिएशन को उन्होंने पार्टिकल का रूप समझा और हर छोटे से छोटे एनर्जी वाले पार्टिकल को उन्होंने फोटोन कहा, और कहा कि जब ये पार्टिकल्स या फोटोन्स व्हेन द स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस को जब स्ट्राइक करते हैं तो इसकी अपनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है किस पर, एटम ऑफ द मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पर, उस जो सरफेस था मेटल का उसके पास जो एटम था उसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाता है और उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर फिर मूव करने लगता है, मूव करने लगता है। अब सवाल यह है कि वर्क फंक्शन यानी मिनिमम एनर्जी जो सरफेस से निकलने के लिए चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो वर्क फंक्शन कहलाता है, वर्क फंक्शन W0 यह है मिनिमम एनर्जी फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए निकलने के लिए इसको इसका वैल्यू देखोगे W0 का तो हो जाएगा H0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं H0। ये तो मिनिमम है, लेकिन हमारा जो फोटोन आया उधर से बीम ऑफ लाइट जो मेटल के सरफेस पर पड़ा उसकी एनर्जी इससे ज़्यादा थी, जितनी चाहिए मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए उससे काफ़ी अधिक थी। फॉर एग्जांपल बीम ऑफ लाइट का एनर्जी था H0, चाहिए इसको H0 यानी इतना ही चाहिए तुमने दे दिया इतनी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इस दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½mE² का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, मेटल के सरफेस से जो जितना तेजी से भागेगा वो है, जितना ज़्यादा इसके पास एनर्जी रहेगा ये तो फिक्स है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सरफेस से निकलने के लिए इतना एनर्जी चाहिए तुम्हें, तुम ये जितना ज़्यादा दोगे डिफरेंस ज़्यादा होगा यानी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, जितना काइनेटिक ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही तेजी से निकलेगा, ये इक्वेशन हुआ। बहुत करोगे तुम अगर इसको इधर ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, बुक में दिया हुआ है H0 = H0 प्लस इतना। तीसरी बात क्या है, आइंस्टीन के हिसाब से अगर बीम ऑफ लाइट अगर बीम ऑफ पार्टिकल्स है और पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है तो जितने ज़्यादा संख्या में पार्टिकल जाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अधिक नंबर ऑफ पार्ट मोर नंबर ऑफ बीम ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइक तभी करेगा जब लाइट का इंटेंसिटी मोर होगा, मोर इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल स्ट्राइक द सरफेस, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। ठीक है, अब ये तो प्रॉब्लम हो गया, आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि रेडिएशन में यानी लाइट में पार्टिकल का नेचर है, और इससे पहले डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में देखे थे कि रेडिएशन में वेव का नेचर है, जब वह आगे चलता है रेडिएशन मैंने लाइट जब प्रोपेगेट करता है सामने ऑब्स्टेकल लगते हैं तो वो वेव की तरह बिहेव कर जाता है यानी बेंड कर जाता है, वेव की तरह बेंड कर जाता है, क्रिस्ट से ट्रफ की ओर जाता है और फिर इंटरफेयर, तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन या लाइट, रेडिएशन बहुत ज्यादा है, लाइट इज ऑल्सो एज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो साइंटिस्ट को बड़ा डायलेमा हो गया, डायलेमा ये हुआ कभी तक साइंटिस्ट ये मान के चलता था कि रेडिएशन से यानी लाइट बिहेव्स लाइक एन वेव, वेव की तरह बिहेव करता है और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन फेनोमेनन में ये एक्सप्लेन भी हो रहा था, बट इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये क्लियर हो गया कि लाइट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल। अब इसका क्या उपाय था, तो साइंटिस्ट लोगों ने यही कहा कि इसमें दोनों बिहेवियर होता है, ये मान के चलेगा डिपेंड करेगा कि विच एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कैरिड आउट, कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्या हम रेडिएशन को किसी मैटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या था, हमने क्या किया, एक मैटर लिया है आयरन का पार्ट बॉडी लिया है नीचे से हीट कर रहे हैं, हमारा रेडिएशन जाके उसे टकरा रहा है इंटरेक्ट कर रहा है फिर वहाँ से निकल रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटोइलेक्ट्रिक क्या है, बीम ऑफ लाइट को एक मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करने के लिए दे रहे हैं यानी मैटर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो कहा जब जब रेडिएशन किसी मैटर से इंटरेक्ट करेगा तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और जब खाली इसे प्रोपेगेट करेगा फ्रॉम वन प्लेस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट खाली आगे बढ़ना होगा इसको तब ये वेव की तरह बिहेव करेगा। साइंटिस्ट लोग एग्री किया कि रेडिएशन में या लाइट में ड्यूअल बिहेवियर होता है यानी पार्टिकल लाइक बिहेवियर और वेव लाइक बिहेवियर।
पार्टिकल लाइक बिहेवियर तब होता है जब ये इंट्रैक्शन करता है मैटर से, और वेव लाइक बिहेवियर तब होता है जब इसका काम सिर्फ प्रोपेगेट करना है, यानी सिर्फ मूव करना है आगे की। थैंक यू।